उमेश पाल शूटआउट केस के बाद फरार चल रहे 5 लाख के इनामी शूटर बम्बाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर के बाद अब उसकी अवैध दुकान को लेकर भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गुड्डू मुस्लिम के बेटे आबिद की चकिया चौराहे पर मटन और चिकन की शॉप है। इस शॉप पर पीडीए की ओर से कारण बताओ नोटिस चस्पा कर दिया गया है। पीडीए के जोनल अधिकारी अजय कुमार की ओर से जारी की गई नोटिस के मुताबिक 260 वर्ग फीट में बगैर अनुमति व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। निर्माण के लिए भी कोई अनुमति नहीं ली गई है। नोटिस में 25 मार्च को 11 बजे तक प्रयागराज विकास प्राधिकरण में हाजिर होकर अवैध निर्माण को लेकर जवाब देना है। संतोषजनक जवाब न देने पर अनधिकृत निर्माण को पीडीए ने गिरा देने की चेतावनी दी है। यह नोटिस बम्बाज गुड्डू मुस्लिम के बेटे मोहम्मद आबिद के नाम से जारी की गई है। उमेश पाल शूटआउट के बाद से ही बम्बाज गुड्डू मुस्लिम फरार है और उस पर 5 लाख का इनाम घोषित है। इस घटना के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम का बेटा मोहम्मद आबिद भी फरार है और दुकान भी बंद है।